पाकिस्तान जहां कई दूसरे मसाइल में जकड़ा हुआ है, वहीं सेहत के मसाइल भी मुल्क पाकिस्तान में अजीब गरीब सूरत हाल पैदा किए हुए हैं। लाखों मरीज हर रोज सेहत के हुसूल के लिए मारे मारे फिरते हैं, मगर मुनासिब सेहत की सहूलियात हैं कि मुयसर ही नहीं आती। इन्हीं सेहत के ढेरों मसाइल में से एक थैलीसीमिया भी है, जिनका शिकार बच्चे हर दिन एक नए इम्तहान से गुजरते हैं। ऐसे में हुकूमत जहां कई और दूसरी बीमारियों के हवाले से सहूलियात फराहम करने में कासिर है, वहीं थैलीसीमिया के इन बच्चों को भी खातिर खास सहूलियात मुयसर करने में नाकाम है। ऐसे में अगर कोई एक शख्स उठ खड़ा हो जो रियासती जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए थैलीसीमिया के इन मरीजों की मदद कर सके, यकीनन उसके हर कदम में हर पाकिस्तानी के लिए खबर व खैर है। थैलीसीमिया के खिलाफ जंग में अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले इन्हीं लोगों में से एक मोहम्मद इकबाल भी हैं, जिन्होंने न सिर्फ काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर की बुनियाद रखी, बल्कि सैकड़ों हजारों बच्चे यहाँ से मुस्तफीद भी होते हैं और अपनी बेहतर जिंदगी भी गुजार रहे हैं। किसी भी इदारे की शुरुआत के पीछे कोई न कोई मुहर्रिक जरूर होता है, ताहम इकबाल साहब के इस इदारे की तकमील के पीछे भी एक तकलीफ देख कहानी है, जिसने तमाम इंसानियत के लिए एहसास सोचा। ताहम इस इदारे की शुरुआत के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी क्या है, खुद इकबाल साहब की जबानी सुन लीजिए। ये मैं एक बात बहुत स्टार्ट में करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे करोड़ों अरबों लोगों में से चुनाव किया कि मैं कुछ मुझसे काम लेना था। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, ये मेरे मरहूम बेटे के नाम से अदारा है, जो खुद थैलेसीमिया मेजर का मरीज था। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि थैलेसीमिया होता क्या है क्या नहीं है। ये जो अदारा बना, अल्लाह ने जो हमसे काम लिया था, काशिफ 1980 में पैदा हुआ, 1980 में दो तीन महीने का था, इसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया, पीला पड़ने लगा, ना माँ का दूध नहीं पीता, बुखार रहता। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा इसके तो एच बी बहुत कम है, 12-13 होमोग्लोबिन होना चाहिए, इसका होमोग्लोबिन 3 है, ब्लड लगा लें। पहली बोतल 1980 में लगी इसको, 1-1.5 महीना गुजरा उसके जिस्म से, फिर खून खत्म हो गया। फिर डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो फिर खून खत्म हो गया, खून लगा लें। फिर दूसरी बोतल खून लगी, इस तरह से हर 1-1.5 महीने में उसको ब्लड लगना शुरू हुआ। जब 5-6 बोतल ब्लड लग गई, हमने कहा ये अल्लाह माजरा क्या है, मुसलसल इसको खून लग रहा है। हमने फिर एक बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने देखा, कहने लगे आप दोनों मियां बीवी का टेस्ट कराऊंगा, मुझे शक है कि ये थैलेसीमिया मेजर का है। मेरा मेरी वाइफ का टेस्ट हुआ, एक हफ्ते बाद हमारी रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी, कहने लगे कि बस आप मेरी बात आप गौर से सुने। अब डॉक्टर हमें समझा रहे हैं कि आप दोनों मियां बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं, जो रिपोर्ट में आया है। आपका बेटा पैदा हुआ थैलेसीमिया मेजर का, इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई है। जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, जब तक ये बच्चा जिंदा है, इसको मुसलसल खून लगेगा, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मुल्ला मौलवी हकीम होम्योपैथी कुछ भी नहीं, वक्त जाया करेंगे। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को बुलटता लगता रहा। अब हम माँ बाप थे ना, हर माँ बाप ये कोशिश होती है, नहीं यार उस डॉक्टर को दिखा दो, उस मजार पे ले जाओ, उस होम्योपैथिक को दिखा दो। एक कोशिश करते रहे, ब्लड लगता रहा। किसी ने कहा ओ उगी में एबटाबाद में एक बड़ा अच्छा मौलवी फूके मारता, सही हो जाता, अच्छा जी वहां भी ले जाओ। मगर वो टाइम ज़ाया हो रहा था, बकौल डॉक्टर साहब के वक्त ज़ाया करेंगे, इसको ब्लड लगेगा। काशिफ स्कूल जाने लगा, पहली दूसरी तीसरी पांचवीं, अब उसको महीने में 2 बोतल ब्लड लगता था। काशिफ 9th क्लास में पहुंच गया, 14 साल का हो गया, ब्लड लगते लगते 3-4 बोतल ब्लड लगता था। काशिफ के 9th क्लास के पेपर चल रहे थे, उस दौरान उसकी बड़ी हालत खराब हो गई। काशिफ को हॉस्पिटल में दाखिल किया, 2-3 दिन गुजर गए, हालत ही ना संभले। 7-8 दिन गुजर, लगता था बस ये सांस इसका आखिरी, अब मर जाएगा, ये सांस आखिरी है, अब मर जाएगा। इसी हालत में काशिफ को जो 8-10 दिन गुजरे थे, एक दिन अस्पताल के बाहर एक नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई थी, मस्जिद नुमा, मैं दुआ कर रहा था। कभी कभी हम एक दुआ करते हैं कि ये अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे, हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, हालांकि उसकी हर सांस आखिरी सांस नजर आ रही थी। तो मैं जब शायद मैं रो रहा था, शायद जब मैं दुआ खत्म करके अंदर आया तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी अस्पताल, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी जोर जोर से रो रहे थे, आपकी हिचकियां बंधी हुई थी। जो दुआ कर रहे थे, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इसके बच्चे को ठीक कर दे। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब से, कहा डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया है, ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कहीं इसका इलाज नहीं है। कुरान में जिक्र है, हदीसों में, हमारे बुजुर्ग कहते हैं हर बीमारी का इलाज है जरूर। कहने लगी अब तो देर हो गई, बहुत एक इलाज अब निकला है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इटली पिजारो में होता, लंदन रॉयल फ्री हॉस्पिटल में। तो
मैंने कहा किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं बताया, एक तो पाकिस्तान में नहीं होता, दूसरा बहुत महंगा था, 40-50 लाख रुपया आपको चाहिए था उस वक्त, ये जब 16 रुपये का डॉलर था 94 में। खैर अल्लाह ने दुआ सुन ली, काशिफ ठीक हो गया, फिर मैं घर आ गया, ब्लड लगता था, मेरे जहन में चीज़ फीड हो गई यार इसका ट्रीटमेंट होगा। फिर मैंने रब्ता किया लंदन में, इटली में, पता चला कि 90 लाख का खर्चा लंदन में था, 70 लाख का इटली में। या अल्लाह ये क्या, मैं स्टील मिल में काम करता था, एक कोशिश की, अदारे से भी कहा, सबसे कहा, कौन देगा 90 लाख उस टाइम जब डॉलर 16 रुपये का था। फिर बहुत एक मुहिम चलाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुहिम चली, मोइन अख्तर अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, 1.5 साल वो बंदा मेरे साथ पागलों की तरह भागा 90 लाख रुपये जमा करने के लिए, नंगे पांव चल पड़ता था। मैं कहता मोइन भाई चप्पल तो पहन ले। अबे छोड़ यार, बंदा निकल जाएगा, 1.5 लाख देना उसने। काशिफ को मैं यहाँ से 95 में नवंबर में ले गया, अक्टूबर या नवंबर में, उमरा किया मैंने, उमरा करके मैं इटली वहाँ पहुँचा, इटली पहुँचा ट्रांसप्लांट के लिए। तो 15-20 दिन के टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, इसको पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से तो मैं आया हूँ, पहुँचा हूँ, आप पैसे भी खर्च कर रहा हूँ मैं सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं भी होते, आपको पता है यूरोप में तो जानवरों की कदर होती है, इंसान तो बड़ी बात थी। उन्होंने कहा आपकी सारी हिस्ट्री हमें पता है, पैसे नहीं भी होंगे हम तब भी कर देते। ट्रांसप्लांट ना करने की वजह सिर्फ यह है कि इसको अब काशिफ 16 साल का हो रहा है, इसको 16 साल में जो ब्लड लग रहा था 5-5, 6-6 बोतल हर महीने, तो ब्लड के साथ बीमारियां भी आती हैं, हेपेटाइटिस बी, CHIV, खास तौर पे आयरन इसके साथ जो आता था ब्लड के साथ उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिला 16 साल में। 2 बोतल ब्लड लग गया, ब्लड के साथ आयरन आया था, बॉडी में रह गया, ब्लड खत्म हो गया, रेड सेल खत्म हो गया, फिर 2 बोतल रह गई लग गई, फिर उसका आयरन रह गया, रेड सेल खत्म। तो 16 साल में इतना उसको ब्लड लगा कि आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है। काशिफ को इतना ब्लड लगा कि 160 के बजाय 7700 आयरन था उसके बॉडी में, नाखून खत्म हो गए भुरभुरे से, दांत भुरभुरे हो गए, खोपड़ी बढ़ गई, बाल तक कड़क हो गए, दिल गुर्दे आंख नाक कान में आयरन घुस गया, आयरन को तो जगह चाहिए था ना। अब इतना 7700 उन्होंने कहा आयरन निकालें आप, आयरन निकालने के बाद हम इसको सोचेंगे ट्रांसप्लांट की। आयरन करने एक इंजेक्शन आता है डिस्फोल इंजेक्शन, आज भी वही इंजेक्शन इनकी जान है। उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन रोज लगाएंगे पंप के जरिए, यानी 15 घंटे, 5 घंटे में 5 CC को ख़त्म करना है आपको, 1000 CC की ड्रिप 2 घंटे में ख़त्म करते हैं, 1000 5 CC को 5 घंटे में 3 इंजेक्शन रोज लगाएंगे, 15 घंटे रोज सुई उसके पेट पे लगी रहेगी। और ये कोई एक आध हफ्ते की कहानी नहीं थी, बगैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक लगना था। कितनी तकलीफ दा मरला हमारे लिए फिर शुरू हो गया, उन्होंने हमें इंजेक्शन दे दिया, पंप दे दिया, जाओ। मैंने कहा या अल्लाह मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा हूँ, और ये यकीन था कि इसका ट्रीटमेंट होगा। फिर मैं इसको लंदन लेकर आया, क्योंकि मैंने बताया पूरी दुनिया में ले जाने की इजाज़त थी मुझे। लंदन वालों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, आप इसको आयरन निकालो। तो मैंने कहा आयरन में तो 4-5 साल लगेगा, किसने ज़िंदगी देखी है। तो फिर एक खातून ने, यास्मीन नियाजी, अल्लाह मैं उसको शायद क्यामत तक उसका एहसान ना होता, उसने मुझे पूरा मकान दे दिया रहने के लिए। गवर्नमेंट से कहा ये मेरे मेहमान है, इसका किराया भाड़ा खाना पीना कुछ नहीं, ये जमानत ही होती है ना वहाँ, तो आपको पता ही है आपको कौन सपोर्ट कर रहा है ये देखते हैं। तो उस खातून ने पूरा मकान दे दिया हमें रहने के लिए। मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, वक्त चलता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा, एक मुजीब भाई थे बंगाली है, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है उस मौके, उस दियार गैर के अंदर, लंदन दियार गैर था ना हमारे लिए। तो और 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, स्कूल भी जाता था, सब कुछ एक्टिविटीज उसकी सारी वही थी, मगर एक वक्त आया कि इसको मैंने खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। 15 घंटे तो सुई लगी रहती थी, वो तो अपनी जगह, हर 6 बोतल महीने में ब्लड लगना, 8 बोतल ब्लड लगना, अब तसव्वुर करेंगे जिस बच्चा 3 महीने का था ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, 8-8, 10-10 बोतल महीने में उसको ब्लड लग रहा था, कितना बहादुर था। उसका आयरन 11,000 पे चला गया, 11,000 और 160 में बहुत फर्क है। आप क्या करेंगे, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, उसने ना फट जाना है। मैंने 11,000 आयरन पे काशिफ का दिल फटते देखा, मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी है।
मेरे लिए तो वक्त ही रुक गया ना कि या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। मेरे लिए तो वक्त ही रुक गया ना कि या अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। काशिफ को हमने वहीं दफनाया और उसके जनाजे पे ये अहद किया कि अल्लाह मुझे बस इतनी जिंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। मेरे लिए वक्त रुक गया, सब कुछ खत्म हो गया ना, मेरी तो एक्टिविटीज खत्म हो गई। जब बच्चा ही खत्म हो गया तो 15 मार्च 1996 में इसकी डेथ हुई, 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया एक हफ्ते बाद। क्या करता लंदन में रह के, यही करता ना, नौकरियों को ढूंढता, अच्छे पैसे मिल जाते, कुछ हो जाता, सब कुछ हो गया था। बस ये एक हिस्ट्री तकलीफदा थी। जब मैं पाकिस्तान आया तो जो मैंने काशिफ के जनाजे पे ऐद किया, मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, लोगों ने करोड़ों रुपये खाए थे उस टाइम। जो मैंने किताब लिखी मुझे जिंदगी चाहिए, एक हिस्ट्री थी है। यहाँ जब मैं आया तो काशिफ के बगैर ही आया, वहीं दफना दिया था। ये पाकिस्तान में ना अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने कहा यार हम ये देखूंगी, टेस्ट करूँ कितने लोग माइनर के हैं पाकिस्तान में, लोग कितने मेजर के बच्चे हैं। ये रियासत के काम मैंने स्टार्ट लिया 23 मार्च 1996 के बाद। पता चला सबसे ज़्यादा हमने टेस्ट किए 300 सैंपल। लोग सैंपल नहीं देते थे 300 ब्लड लेने के लिए, हम लेते थे, कहते थे यार इसका बच्चा मर गया। सबसे कहता है कि ये टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ टेस्ट, पागल हो गया है। मगर मेरा पागलपन मेरे ख्याल सही था। हमने वहाँ पे 200 सैंपल पंजाबी पठान सिंधी बलोच गुजराती वगैरह वगैरह 28 कम्युनिटियों के हमने सैंपल लिए। सबसे ज़्यादा माइनर के लोग बलोचों में थे। कज़न मैरिजेस बहुत करते हैं आपस में, सिराइकी में बहुत। मैं तो हैरान था जब सिराइकी में जब मैंने टेस्ट किया खानपुर और रहीमयार खान में, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था, या अल्लाह ये तो 22-23% आ रहे हैं माइनर, आप 8% भी लगा लें तो पाकिस्तान के 22 करोड़ में से 8% का मतलब ये है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग माइनर हैं। तो 2 करोड़ शादियाँ करेंगे माइनर माइनर, तो आज कितने बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर के पैदा हो रहे, ये रुके तो नहीं है ना। फिर मैंने कहा मेजर के बच्चे कितने हैं, आपको हैरानगी होगी, पूरे पाकिस्तान को शायद हैरानगी हो, पूरे इंग्लैंड में आज से 22 साल पहले 360 पेशेंट मेजर के थे जिनको खून लगता था, पूरे इंग्लैंड में 360, पाकिस्तान में 40,000 से ज़्यादा थे बच्चे उस वक्त। आज पूरे इंग्लैंड में 270 के करीब बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर, कुछ मर गए कुछ हो, मतलब 270 रह गए, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं ब्लड। तो ये तो सबब बना, काशिफ को अल्लाह ने रास्ता बनाया इसको रोकने के लिए कि ऐसे अदारा बनना चाहिए जो हम सर्विसेज फराम कर रहे हैं। इकबाल साहब ने जिन तल्ख तजुर्बात के साथ पाकिस्तान से इटली और इटली से यूके तक का सफर किया, उसका निचोड़ कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मलूजे खातिर रखते हुए हम न सिर्फ इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं बल्कि महफूज भी रह सकते हैं। इस बीमारी से महफूज रहने या इससे छुटकारा पाने के लिए इकबाल साहब कहते हैं, देखिए ये टेस्ट बहुत आसान है, इसका हल यही है। जैसे हमारी बिल्डिंग है यहाँ जब डालमिया में काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर स्ट्रीट नंबर 1, अल्लाह 1 के गली नंबर 1 लोगों को याद रहता है। अक्सर लोग पूछते यार आपने कहा था ना अल्लाह 1 के गली नंबर 1, वहाँ आ जाएंगे या टेस्ट हो जाता है और फ्री। 150 रुपये रखा है, 2700 का टेस्ट का, 2700 का टेस्ट है, 150 रुपये ना दो यार, 150 रुपये में टेस्ट करा लो। नहीं इख्तियार में है ना हमारे अल्लाह ने, मैंने तो बताया आराम से एक टेस्ट करा लें खत्म फिनिश। इस बीमारी से लड़ने वालों और दीगर लोगों को पैगाम देते हुए इकबाल साहब ने कहा, ये सारी दुनिया वालों के लिए एक मेरा मैसेज है। मुहर्रम के महीने में 2-3 तारीख से अहले तशी हजरात ने ब्लड देना शुरू किया। उन्होंने कहा जी हम मातम करते हैं जो करते हैं छुरियों का इसका, हम इन बच्चों को ब्लड दे के इनकी जिंदगी क्यों ना बचाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि हर आज 4th-5th साल है, इस मुहर्रम के महीने में 4 दिन में 7,000-7,500 बोतलें आ गई।
यार हम तो सलाम पेश करते हैं ना सर इन लोगों को जो जिन बच्चों की जान बच, ये बाकी लोग क्यों नहीं करते। 15-16 करोड़ का बजट यहाँ पर है, तमाम चीजें सहूलत फ्री फराम कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, ECG, इको, T2, MIR, लमान लेबॉरेटरी टेस्ट, नामुमकिन बात है। जदीद लेबॉरेटरी का सिस्टम है मेरे पास, अल्लाह ने सब करा दिया। 3-3, 4-4 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं। बिल्डिंग एक खातून आई रेहाना जब्बार, उसने बिल्डिंग 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च किया, बिल्डिंग जगह भी खरीदी बना के चली गई, पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर गई, उनको पता है यह काम हो रहा है। तो काशिफ को आज मैं सोचता हूँ कि रब तआला ने जो मेरा चुनाव किया है, मैं मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि यार, पर अब मैं यकीन इसलिए करता हूँ कि लोग मेरे साथ आ गए, ऐसे मुनीर साहब जैसे लोग माशाल्लाह वो 1.5-2 करोड़ रुपया देते हैं, खामोशी से साथ जुड़े हुए हैं। 150-200 लोगों का राशन बनता है, डेली खाना बनता है, डेली फ्री, कहाँ से रब दे रहा मुझे परवरदिगार। तो ये हमें अब सबसे ज्यादा जो जरूरत है, मीडिया की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है कि इसको मैसेज को आगे बढ़े। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ यार, शादी करो, अपने बच्चों की टेस्ट तो करा लो यार। 56 सेकंड में रिजल्ट आता है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन में फ्री टेस्ट, आप सुंदस में चले जाएं लाहौर में फ्री टेस्ट, आप बदीन में चले जाएं डॉक्टर हारून मेमन बदीन थैलेसीमिया सेंटर फ्री टेस्ट, आप नवाबशाह में चले जाएं फ्री टेस्ट, डालमिया स्ट्रीट नंबर 1, अल्लाह 1 है गली नंबर 1 याद रख लें, यहाँ आके टेस्ट करवा लें। और मैं क्या कर सकता हूँ यार, शादियाँ करो, टेस्ट करा लो यार, ऐसा ना हो कि मेरी बात जब बाद में याद आए तो देर हो चुकी होगी। बात का पछतावा जिंदगी भर का पछतावा होगा, मुश्किल काम नहीं है, जिंदगी में एक दफ़ा टेस्ट कराना है। अगर आप लोग हमारा साथ दें, आपकी चैनल वाले हमारा साथ दें, यकीन करें मैं 2022-23 के अंदर एक बच्चा पैदा नहीं होगा थैलेसीमिया मेजर का। जिंदगी कभी कभार इंसान को वहाँ ले आती है जहाँ इंसान अपने साथ बीते हुए दुख को देखकर कोई ऐसी राह निकालता है जिसमें पूरी इंसानियत के दुख का दरमा हो सके। इकबाल साहब की जिंदगी में भी उनके बेटे का इस मर्ज के हाथों दुनिया से चले जाना एक ऐसे वियन का मुहर्रिक बना जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण फूटी। आज काशिफ इकबाल हम में नहीं, लेकिन उसके नाम का ये दिया रहती दुनिया तक रोशन रहेगा और काशिफ जैसे बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी फैलाता रहेगा। बेशक इकबाल साहब की समल में हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है।